अब हम डिस्कस करते हैं एसोफेगस या ग्रसिका के बारे में, ठीक है। तो दरअसल एसोफेगस जो है वो एक ट्यूब है, क्या है, एक ट्यूब है, एक नलिका है जो हमारी गर्दन से शुरू होती है या हमारे फेरिंग्स के बाद में जो है वो शुरू होती है और जाके खुलती है हमारे उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट स्टमक में या आमाशय के अंदर, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर संरचना है जो ऊपर से नीचे जाती है और ये पूरी की पूरी हम बात करें तो हमारी जो चेस्ट है या वक्ष जो है, वक्ष गुहा जो है उसको भेदते हुए अंदर जाती है और उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पर प्रवेश करती है किसके अंदर, उदर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली हम बात करें तो यहाँ एब्डोमन को जहां से क्रॉस करेगी, ये एब्डोमन है, ठीक है, तो एब्डोमन को जहां से क्रॉस करेगी उसको हम बोलेंगे हाइटस। क्या बोलेंगे हम इसको, हाइटस बोलेंगे बेसिकली उस जगह से जहां से ये पेनिट्रेट करेगी, किसको हम बात करें तो एब्डोमन को, ठीक है। उसके अलावा एक और बात कि एसोफेगस की अगर हम मांसपेशियों के संदर्भ में अगर देखें तो एसोफेगस को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ऊपर वाला एक तिहाई, बीच वाला एक तिहाई और सबसे आखिरी वाला एक तिहाई, ठीक है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, ठीक है। ऊपर वाला जो वन थर्ड पार्ट है उसमें बेसिकली जो है कंप्लीट जो है वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक पेशियां होती हैं, बीच वाले भाग में वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों टाइप की मसल्स होती हैं और नीचे वाले भाग में जो है कंप्लीटली क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, बात समझ में आ रही है। इसलिए ऊपर वाले पार्ट को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो इंटरनेट वीडियोज में पानी पी के उसको वापस निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका उस पार्ट पर ग्रिप होता है। एक बार अगर वन थर्ड मतलब जो एक बार जो इनवॉलेंट्री मसल्स वाले एरिया में कोई चीज चली जाएगी तो वो फिर सीधा कहां पहुंचेगी, पेट में, स्टमक में पहुंचेगी, उससे वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि उन मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्लियर ही बात यहां पे, ठीक है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी जो इसोफेगस जो होती है उसकी हम बात करें तो एक एलिमेंट्री कैनाल का ये वो पार्ट है जहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, यहां पर केवल हम बात करें सिंपल म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है, जो कि ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड यहां पर नहीं होती। क्लियर बात यहाँ पे। और एक सबसे आखिरी बात और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस पार्ट में हम बात करें तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी या औथकी की बात करेंगे तो हम चार लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बाहर की तरफ से चलें, सीरोसा, फिर पेशीय परत मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। यहां पर एसोफेगस के केस में सीरोसा जो है ये नहीं होती है, एब्सेंट होती है, उसकी जगह क्या होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। तो ये यहां ये होती है ना कि सीरोसा। अब ये बात तो समझ में आई सर होती है, पर इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि यहाँ सीरोसा नहीं होती है, ट्यूनिक एडवेंटिशिया होती है। उसका रीजन ये है कि जो जो ये जो है एसोफेगस इसका मेजर पार्ट जो है वो हम बात करें थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा से बिलोंग करता है और सीरोसा जो है वो जनरली एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होती है जो कि हम बात करें पेरिटोनियम से बनती है, बात समझ में आ रही है। तो सीरोसा जो है वो सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी वाले ऑर्गन्स के साथ बिलोंग करेगी, ठीक है। यहां पर थोरेसिक कैविटी में जो होती है कौन, एसोफेगस, वहां पर सीरोसा नहीं होगी, उसकी जगह क्या होगी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्लियर है, ठीक है, चलिए ये तो इतनी बात हुई यहां पे, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर हुई बात, समझ में आ गया, चलो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ और वो है स्टमक। ये आप स्टमक का एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टमक है ये एक जे शेप बैग है, क्या है भैया, एक जे शेप बैग है, ठीक है, और जिसमें हम बात करें ऊपर से देखें तो एसोफेगस इसमें ओपन होती है और फिर जो स्टमक है ये खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, बात समझ में आ रही। तो इस तरफ वाला जो इस यहां से यहां की तरफ देखें तो यहां पर हम बात करें तो ये एक जे शेप बैग हो गया। अब इसके कारणों की बात करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल बात करें तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लीटर कैपेसिटी वॉल्यूम वाइज जो है एक बैग होता है जो कि मस्कुलर है, मसल्स यहाँ पर जो है काफी प्रोमिनेंट होती है बाकी लेयर्स के साथ में। उसके अलावा इसके जे शेप होने का एक रीजन है कि ये जे शेप क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, इसलिए क्योंकि इसके दो जो जो हम बात करें तो बॉर्डर्स हैं या बाउंड्रीज हैं, उसमें से जो लेफ्ट साइड की बाउंड्री है यहां पर इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, यहां ग्रेटर कर्वेचर या बड़ा कर्व होता है जबकि इस तरफ जो है वो लेसर कर्वेचर होता है। ये छोटा होने की वजह से ये इसको पुल करता है और ये पार्ट जो है वो जे शेप फॉर्मेशन बनाता है,
बात समझ में आ रही है। यहां पर जो सीरोसा से एसोसिएट करने वाली जो एक लेयर है उसको कहा जाता है ओमेंटम। क्या कहा जाता है भैया? ओमेंटम कहा जाता है। तो यहां देखेंगे आप, तो ये जो लेसर कर्वेचर की तरफ जो प्रेजेंट होगी उसको लेसर हम बात करें तो ओमेंटम, और जो ग्रेटर कर्वेचर की तरफ होगी उसको हम क्या कह देंगे? ग्रेटर ओमेंटम। बात समझ में? और ओमेंटम क्या है? ओमेंटम इसकी पेरिटोनियम जो है उसका एक जो हम बात करें अटैचमेंट है उसको हम ओमेंटम कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, और सॉफ्ट ऑर्गन्स है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एब्डोमिन जो है वो एक बैग है, बैग में सब कुछ भरा हुआ है। अगर सब कुछ भरा हुआ है तो उनकी लोकेशन चेंज हो सकती है इधर उधर, पर क्या होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर सबको एक अटैचमेंट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है एक अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है सारे ऑर्गन्स को। स्टमक के रेस्पेक्ट में इसको हम कह रहे हैं ओमेंटम। बात समझ आए? तो जो लेसर कर्वेचर की तरफ होगी वो लेसर ओमेंटम, जो ग्रेटर की तरफ होगी वो ग्रेटर ओमेंटम। क्लियर हुई बात यहां पर? समझ में आ गई? चलिए उसके बाद दूसरी बात, यहां दो ऑरिफिस या दो छिद्र होते हैं, दो होल होते हैं। एक ऑरिफिस जो है वो होता है हम बात करें तो पाइलोरिक की तरफ, एक होता है इसके शुरुआती भाग में। इस भाग को हम कार्डिया कहते हैं, तो इसलिए यहां पर जो स्पिंक्टर, ये जो ऑरिफिस है इसको कहेंगे कार्डियक ऑरिफिस, जबकि पाइलोरिक भाग की तरफ जो होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक ऑरिफिस। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ऑरिफिस। समझ में आया? ऑरिफिस मतलब छिद्र, ठीक है, होल। तो ये ओपनिंग हो गई, ये होगी कार्डियक ऑरिफिस, ये ओपनिंग हो गई, ये हो गई पाइलोरिक ऑरिफिस। अब हर एक ऑरिफिस जो या जो ओपनिंग है उसको कुछ वाल्व गार्ड करते हैं। वाल्व जो है हम बात कर रहे हैं, वाल्व जो है वो गार्ड करते हैं, कपाट जो उनको कह सकते हो आप। दरअसल इस केस में ये कपाट जो है वो कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं, जो हम बात करते हैं वर्तुल पेशियां होती हैं, और इनको हम कहते हैं स्पिंक्टर। क्या कहते हैं? स्पिंक्टर। अभी स्पिंक्टर क्या चीज है? स्पिंक्टर कुछ ऐसा मान लो कि हम जब मार्केट में जाते हैं दूध लेने, तो डेयरी वाला क्या करता है, एक थैली में दूध डालता है और उसके ऊपर एक धागा लपेट देता है चारों तरफ। ये समोसे वाला चटनी की थैली के ऊपर चारों तरफ धागा लपेट देता है, तो धागा लपेट देता सिंपल, उससे भी वो थैली बंद हो जाती और वो चीज उसके बाहर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही जो है यहाँ पर मसल्स होती है सर्कुलर फॉर्म में, जो कि गार्ड करने का काम करती है, ताकि फूड जो है यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर होता है अबाउट 4 to 5 hours के लिए। 4 to 5 hours के लिए जो है वो फूड यहां पर हम बात करें तो स्टोर होता है, ठीक है, 5 hours के लिए स्टोर होता है, और टेम्परेरी स्टोर होता है इसका, या फिर इसका डाइजेशन भी यहां पर होगा। क्लियर बात यहां पे? समझ में आया? दो चीजें देखी हमने अभी तक, सरफेस की बात करी हमने लेसर और ग्रेटर कर्वेचर के बारे में, फिर हमने ओपनिंग्स की बात करी कार्डियक और पाइलोरिक, और फिर उसके बाद में हमने वहां पर स्पिंक्टर्स की बात करी, कार्डियक की तरफ कार्डियक स्पिंक्टर, इसकी तरफ पाइलोरिक स्पिंक्टर, सिंपल। उसके बाद अगला पार्ट आता है, वो आता है पार्ट्स। अब पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो यहां पार्ट्स की बात करें तो पहला पार्ट है कार्डिया, जो कि ऊपर की तरफ होता है। कार्डिया वर्ड आपको लगेगा सर ये तो हार्ट से जुड़ा हुआ है, तो एग्जैक्टली हार्ट्स की, हार्ट की तरफ ही होता है, इसलिए इसको कार्डिया कहा जाता है। ऊपर वाला पार्ट ये जो है ये फंडस होता है, तो फंडस पार्ट कुछ इस तरीके से है, आपको अगर आइडिया लगे तो। जनरली इस पार्ट में जो है डाइजेशन ना के बराबर होता है, क्योंकि जो फूड में हम बात करें तो जो गैसेस होती हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं वो कंप्लीटली सॉलिड तो होता नहीं, उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स में एयर भी होती है, या फूड जब जाता है तो वहां पर भी एयर फॉर्म होती है, ठीक है, गैसेस फॉर्म होती है, वो गैसेस इस फंडस पार्ट में प्रेजेंट होती है। जितनी भी गैसेस जो यहाँ प्रेजेंट होगी स्टमक में वो इस फंडस पार्ट में प्रेजेंट होंगी। बात समझ में आ रही? ये हो गया पहला, दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड के बाद में जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है बॉडी। क्या आता है? बॉडी, जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे वाइड पार्ट है, और इसी वजह से स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, क्लियर हुई बात इतनी, ठीक है। बॉडी थर्ड पार्ट, फोर्थ है पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट है? फोर्थ है पाइलोरिक पार्ट, और पाइलोरिक पार्ट इटसेल्फ आल्सो डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब पाइलोरिक पार्ट को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें जो वाइड चौड़ा पार्ट होता है उसको एंट्रम कहा जाता है, और जो सकड़ा पार्ट होता है बिल्कुल जो हम बात करें तो स्पिंक्टर की तरफ, उसको कैनाल कहा जाता है। तो पाइलोरिक एंट्रम वाइड पार्ट, पाइलोरिक कैनाल नैरो पार्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? समझ में आई? तीन चार पार्ट हो गए, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। अब यहां हम इस पार्ट के अलावा अगली बात हम करेंगे इसकी लेयर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि अभी एब्डोमेन में आ चुके हैं, तो वही चार लेयर होती है हमेशा वैसे ही होंगी। सबसे बाहर सीरोसा होगी, ठीक है, सीरोसा के बाद में हम बात करें तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में बाकी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दो ही टाइप की लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती है? दो ही लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल और
सर्कुलर, लेकिन स्टमक के केस में जो है वो ऑब्लिक लेयर जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टमक के केस में पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हुआ स्टमक और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी मेन स्ट्रक्चर गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक पिट जिसको हम कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक पिट क्या है भैया? ये दरअसल ट्यूबुलर पार्शियली ब्रांच्ड ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सब्सटेंसेस का सीक्रेशन करती हैं इसकी ल्यूमन में या कैविटी के अंदर सब्सटेंस या सीक्रेट करती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको डाइजेशन हमारा जनरली कैसा एक्सटर्नल है, तो सेल्स अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करेंगी और यहां पर ये स्टमक के अंदर रिलीज हो जाएंगे, क्या? गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, ये तो हमने इसको डायग्राम से देखा है। इसको हम अगर इस तरीके से देखें तो ये एक गैस्ट्रिक पिट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? एक गैस्ट्रिक पिट का डायग्राम है। ठीक है, जो कि एक हम बात करें तो ट्यूबुलर ग्लैंड है। क्या है? ट्यूबुलर ग्लैंड है। इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं, म्यूकस सेल्स जो कि दो टाइप की हैं, जो सरफेस पे होगी वो सरफेस म्यूकस सेल्स, जो थोड़ी डीप में होगी जो नेक रीजन में होगी इस ग्लैंड के वो म्यूकस नेक सेल्स, फिर पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और जी सेल्स, या इसको हम एंटर हम बात कर रहे हैं तो एंटर एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कुछ लोकलाइज हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक पिट जो है ये दरअसल कुछ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप की ये लेयर सेल्स हैं। इन सेल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे म्यूकस सेल्स के बारे में। ठीक है, तो म्यूकस सेल्स की बात करूं यहां पे तो इनका काम होता है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। क्या काम होता है? सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। उसमें जो म्यूकस जो ये जो सेल्स हैं ये इनका नंबर काफी ज्यादा होता है, इनका नंबर थोड़ा इनके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, ये दोनों ही म्यूकस सीक्रेट करती हैं। और ये म्यूकस करता क्या है? देखिए, हमको पता है कि जो हमारा स्टमक है उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। और हमको पता है कि भाई HCl जो है वो बर्न कॉज कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी कभी स्किन पे गिरता है उससे जल जाते हैं, क्योंकि उसके गिरने से एसिड और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं, सेल्स डिहाइड्रेट हो जाती है और एनर्जी भी निकलती है उससे बर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये म्यूकस जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है स्टमक की म्यूकोसा के ऊपर, ताकि HCl जो है जो रिलीज हुआ है वो इसके कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, किसके? म्यूकोसा के। समझ में आया? तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो HCl से बचाती है, किसको? हम बात करें तो म्यूकस की, सॉरी स्टमक की लेयर को, म्यूकोसा को। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में, ये तो इसका मेन एक ही फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। सेकंड सेल की बात हम करेंगे थोड़ा डिटेल में, वो है पैराइटल सेल्स। ठीक है, पैराइटल सेल्स की हम बात करें तो इनको हम पैराइटल सेल्स जो है इनको हम ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी कहते हैं। ऑक्सेंट्रिक कहने का रीजन ये है, इनको हम ऑक्सेंट्रिक सेल जो है ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी कह रहे हैं। ऑक्सेंट्रिक कहने का मतलब का रीजन ये है कि दरअसल इनको अगर आप स्टेन करें, डाई करें, इनको अगर रंगें तो ये ईओसीन, डार्क ईओसीन अपीयरेंस इनका आता है, इसलिए इसको ऑक्सेंट्रिक कहते हैं। और पैराइटल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेजेंट होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके अगेंस्ट प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको पैराइटल सेल्स नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो इसके नाम की बात हुई। ठीक है, दोनों की क्यों, उसके बाद में हम बात करते हैं मेनली इसके फंक्शन के बारे में कि पैराइटल सेल का फंक्शन क्या है। फंक्शन भैया पहला तो यह है कि HCl सीक्रेट करती हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्या करती हैं? HCl सीक्रेट करती हैं और HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया? अब यहां ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, हमारे स्टमक का जो पीएच है इसको अराउंड 1.8 के आसपास सेट रखता है, जिससे कि कुछ दूसरे जो जाइमोजन जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं, उसकी बात हम थोड़ी आगे करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ये करता है। ठीक है, दूसरी बात ये जो है ये जो फूड में इन्फेक्टेड पार्टिकल्स आते हैं या माइक्रोब्स आते हैं उनको, जर्म्स को किल करता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज ये करता है, ये क्या करता है, हमारे फूड में प्रेजेंट Fe+3 फेरिक को Fe+2 में कन्वर्ट करता है, जो कि जरूरी है हीमोग्लोबिन के लिए। किसके लिए जरूरी है? हीमोग्लोबिन के लिए, अदरवाइज ये यूटिलाइज नहीं होगा। मतलब HCl अगर सीक्रेट नहीं हो रहा तो एक तरीके से एनीमिया भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? इससे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा आरबीसी डब नहीं काम नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, एनीमिया होगा। समझ में आया? क्लियर होगी बात। चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछने वाला हूं, क्या हमारी बॉडी में सही में HCl सीक्रेट होता है? सोच के देखो,
मैं बोलता हूं कि हमारी बॉडी एचसीएल सीक्रेशन करती ही नहीं है, तो सोचो सोचो हमारी बॉडी एचसीएल सीक्रेशन ही नहीं करती मेरे हिसाब से तो। पर आप बोलोगे नहीं सर हम तो यही पढ़ते हैं, आप तो गलत बता रहे हो, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है आप देखते हैं इसके बारे में बात। तो दरअसल भाई साहब बात ऐसी है कि हमारी बॉडी में जो पैरेटल सेल्स हैं, ये पैरेटल सेल्स जो हैं इनके अंदर, इसको हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो ये सेल्स जो हैं इन सेल्स में एक ल्यूमेन होती है। क्या होती है? एक ल्यूमेन होती है, ये है पैरेटल सेल, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये सेल्स क्या करती हैं, इन सेल्स के अंदर हम बात करें तो एच प्लस आयन और सी एल माइनस आयन पंप होते हैं। क्या होते हैं? इनको प्रोटॉन पंप्स कहते हैं, इनको सी एल माइनस पंप्स कहते हैं। ये दोनों जो है एच सी एल सीक्रेट करने की बजाय एच प्लस और सी एल माइनस रिलीज करते हैं, जो आगे जाके रिएक्ट करेंगे और एच सी एल का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब सीक्रेशन तो होता है किसका? एच प्लस और सी एल माइनस का। एच सी एल बनता है आगे जाके, क्यों? क्योंकि देखिए एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर से रिएक्ट करता है। अगर ये यहां बन जाएगा तो इस सेल के प्रोटोप्लाज्म में ही क्या होगा, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, सेल खुद ही डैमेज हो जाएगी। इसलिए एचसीएल बाहर बनता है ना कि सेल के अंदर। समझ जाएगी बात, क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है चलिए। उसके अलावा ये तो एचसीएल की बात हुई, एचसीएल के फंक्शन जोन के बारे में। उसके अलावा पैरेटल सेल्स जो है ये एक और सी चीज का सीक्रेशन करती है जिसको हम कहते हैं कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर, या हिंदी में इसको कहते हैं नेज कारक। ये जो है ये नेज कारक विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन से जुड़ा हुआ है। ये विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, और उसी और उसको एचसीएल से डैमेज होने से भी बचाता है, क्योंकि विटामिन भी एचसीएल से डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी बचाता है। और साथ में ये हम बात करें तो ये विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां अगर नेज कारक भी अगर बॉडी में नहीं होगा तो विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, और विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो सीधी सी बात है विटामिन बी ट्वेल्व जो है आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स की मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर विटामिन बी ट्वेल्व बॉडी में कम हो गया तो भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी डेवलप ही नहीं हो पा रही। इस केस में एनीमिया को कहेंगे हम परनीशियस एनीमिया। क्या कहेंगे? परनीशियस एनीमिया। तो पैरेटल सेल जो है वो एनीमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखने वाली बात है। एक आए हुए सवाल है, ठीक है, नीट के अंदर आए हुए प्रीवियस एग्जाम्स, नीट एम्स एम्स सब तो नहीं होता, पहले होते थे तो उनमें कई बार आया पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आता है वो आती है हमारी, हम बात करें तो चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, इनको जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजन सेल्स। पहले हम जाइमोजन शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल जाइमोजन जो शब्द है इसका मतलब होता है इनएक्टिव प्रोटीन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने भी जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे इनएक्टिव स्टेट में सीक्रेट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। अब मुद्दा यह है कि ऐसा क्यों है? एक्टिव फॉर्म में भी तो रिलीज हो सकते हैं सीधे, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक काम हमारा कम हो जाएगा क्या? एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा उनको, तो फिर ऐसा क्यों है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि अगर वो एक्टिव फॉर्म में ही सीक्रेट होंगे तो मतलब वो कहां एक्टिव हो जाएंगे? सेल के अंदर ही एक्टिव हो जाएंगे तब वो सीक्रेट होंगे। तो ऐसे में सेल के खुद के प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम सेल के खुद के एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर देंगे, तो उसको रोकने के लिए इनएक्टिव स्टेट में सीक्रेट होते हैं और आगे जाके एक्टिवेट होके फिर फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको जाइमोजन्स भी कहते हैं, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको जाइमोजन्स भी कहते हैं, इनएक्टिव स्टेट वालों को। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम चीफ सेल्स या हम बात करें तो पेप्टिक सेल्स जो है ये हम बात करें तो क्या रिलीज करती है? पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होके हम बात करें तो प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, लार्ज पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोरेनिन है जो कि छोटे बच्चों में हम बात करें तो सीक्रेट होता है, और जो कि हम बात करें तो जो मिल्क में जो कैसिनेट्स प्रेजेंट होते हैं उनका डाइजेशन करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रेनिन जो है कर्डलिंग, एक तरीके से दूध को दही में कन्वर्ट करने का सा काम कर रहा है, ठीक है,
कुछ कुछ ऐसा ही मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, जिसमें कि जो दूध है उसकी, दही जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इसको कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या कहते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो कि कौन करता है? रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन करता है। बात समझ में आ रही? ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये रेनिन जो है इसमें डबल एनायन है। ये क्या है? रेनिन। अगर डबल एन आएगा तो ध्यान रखना कि ये वाला रेनिन है। एक रेनिन हम एक्सक्रीटरी में भी पढ़ेंगे, वहां पर सिंगल एन आता है, तो वो हार्मोनल प्रॉपर्टी शो करता है, ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वो ब्लड प्रेशर रेज करता है, ये ब्लड प्रेशर पे कोई काम नहीं करता, ये डाइजेशन करता है। बात मिल्क में जो कैसिन, जो बात करें तो कैल्शियम, जो कैसिनेट्स होते हैं या कैसिन प्रोटीन होते हैं, उनका डाइजेशन करता है। बात समझ जा रही है? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं लास्ट सेल्स के बारे में, उसमें आते हैं स्टेम सेल्स, जो कि क्योंकि जैसे धीरे धीरे सेल्स जब डैमेज होंगी तो ये जो है मल्टीप्लाई करके और उन सेल्स को रिप्लेस करने का काम करेंगे। ऑब्वियसली स्टेम सेल्स का ही काम होता है, क्योंकि उनमें रीजनरेशन या टोटिपोटेंसी की पावर होती है, सो दैट दे कैन डिवाइड एंड रिप्लेस द अदर डैमेज्ड सेल्स। व्हाट इट? चलिए अगला है एंटरोएंडोक्राइन। एंडोक्राइन का नाम आते हैं, हमको पता है हार्मोन, तो ये इनको अर्जेंटोफिन सेल्स या जी सेल्स भी कहते हैं, जो कि हार्मोन, लोकलाइज्ड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे कि जी सेल्स सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन, जो स्टमक के ही सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है। बात समझ में, जितने भी दूसरी सेल्स के सीक्रेशन है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, लोकलाइज्ड हार्मोन ही। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? चलो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है? आगे हम बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो है हमारी, वो दो होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को अगर कंफ्यूजन हो, तो स्मॉल और लार्ज का मतलब यहां पर डायमीटर से है। किसका है? डायमीटर से है, ना कि लेंथ से, ठीक है। तो यहां आप अगर देखेंगे तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका डायमीटर ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है। पर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक जो है वो ओपन होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, मैंने बताया था आपको पहले भी, ये जो है फर्दर तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट है, जो कि स्टमक जो है ड्यूडेनम में ओपन होगा, सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सी आपका सी या यू शेप का होता है। ड्यूडेनम जो है वो आगे जाके जेजुनम में होगा। यहां से देखेंगे, ये ड्यूडेनम, फिर ये जेजुनम, ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है क्योंकि लेंथ ज्यादा है। और आखिरी वाला जो हो गया इलियम हो गया। इलियम किससे जुड़ गया? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ गया। समझ में आया? तो तीन पार्ट है। इसकी ओवरऑल लेंथ की हम बात करें तो ऑलमोस्ट हम बात करें तो लगभग हम बात करें तो 6 फीट के आसपास, सॉरी 6 मीटर्स के आसपास होती है। और उनमें से ये वाला ड्यूडेनम जो है ये सबसे छोटा होता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर। उसके अलावा सबसे बड़ा जो होता है वो होता है इलियम, और 2.5 मीटर का होता है कौन? जेजुनम, ठीक है। समझ में आया? ये इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग बात होगी। आगे हम देखेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के एस्पेक्ट से। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो यही होता है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सी और या यू शेप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जहां पर क्यों होता है डाइजेशन या मैक्सिमम, उसकी भी दूसरा रीजन है, जहां पर लिवर और पेनक्रियाज दोनों के ही सीक्रेशंस रिलीज होते हैं थ्रू ए कॉमन डक्ट विच इज नोन एज द हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। व्हाट? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको यहां बोलते हैं पैपिला, या हम बात करें तो ये इसको बोलते हैं ड्यूडेनल पैपिला, जहां पर ये डक्ट्स ओपन होती हैं, क्लियर होती है। या फिर इसको हम बात करते हैं एम्पिला ऑफ विटर भी यहां पर हम कहते हैं, जो ओपन होता है किसके अंदर? पैपिला ऑफ ड्यूडेनम या ड्यूडेनल पैपिला, इस पार्ट को हम ड्यूडेनल पैपिला कह रहे हैं, जहां पर ये ओपन हो रही है। कौन कौन ओपन हो रहा है? एम्पिला ऑफ विटर। ये क्या है, इसको हम थोड़ा आगे और डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद के पहले पार्ट के बाद दूसरा आता है जेजुनम। अब जेजुनम की बात करो, देखो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, नहीं मतलब ड्यूडेनम सबसे छोटा था, जेजुनम बीच का लेंथ का है और ये सबसे लेंथ है। लेकिन जैसे जैसे आप ड्यूडेनम से आगे जाओगे तो लेंथ घटेगी, सॉरी लेंथ बढ़ेगी। ड्यूडेनम सबसे छोटा, जेजुनम उससे बड़ा, इलियम सबसे बड़ा। पर अगर विड्थ की बात करोगे तो ड्यूडेनम सबसे चौड़ा, जेजुनम उससे कम चौड़ा या नैरो, और इलियम सबसे नैरो, ध्यान रखना इस चीज को।
ठीक है, कैसे रखा है हमने, ड्यूडेनम सबसे लेंथ में कम, जेजुनम उससे ज्यादा, इलियम सबसे ज्यादा। विड्थ की बात करेंगे, ड्यूडेनम सबसे चौड़ा, सबसे वाइड, उसके बाद में जेजुनम उससे नैरो, इलियम सबसे नैरो। सिंपल, समझ में क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों जो है काफी लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इन दोनों की कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो दे आर हाईली कॉइल्ड होते हैं, दे आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि इनकी लेंथ की वजह से होता है, क्योंकि इनकी लेंथ जो है काफी ज्यादा होती है। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, चलो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है, आगे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, हम उनकी बात थोड़ी सी करेंगे। उनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले पेयर्स पैचेस के बारे में। किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पर पेयर्स पैचेस की बात करेंगे। पेयर्स पैचेस दरअसल हम बात करें तो एक वर्ड से जुड़े हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, MALT, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो लिम्फोइड टिश्यू म्यूकोसा से जुड़े हुए उनका ये पार्ट, ये जो टिश्यू है इसका ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो होता है वो पेयर्स पैचेस बनाते हैं, जो कि हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। समझ मेरी बात, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको एक चीज याद होगी, ठीक है, क्या कि जो ये है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें विलाइज या हम बात करें तो जो क्रैक रिंग्स फोल्ड होते हैं, ठीक है, और उनमें विलाइज होती हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। यहां उनके नीचे जस्ट बिलो द एपिथीलियम देयर इज अ क्लस्टर और गुच्छा होता है, किनका, लिम्फ नोड्स का। क्या होता है, लिम्फ नोड्स का गुच्छा होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, और उस क्लस्टर को, उस गुच्छे को हम कहते हैं पेयर्स पैचेस विच प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिथीलियम ऑफ एलिमेंट्री कनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथीलियल पार्ट के बिल्कुल नीचे की हम बात करेंगे तो वहां पर एक क्लस्टर होगा, किसका, लिम्फ नोड्स का। और एक कंडीशन है इसके साथ में कि जहां ये क्लस्टर होगा वहां पर ये जो विलाइज है ये नहीं होंगे। आप देख रहे हैं ये विलाय यहां पर प्रेजेंट है, जबकि यहां पर विलाय जो है नहीं, ये ध्यान रखना वाली बात है, ठीक है। जहां पर ये होंगे यहां पर विलाइज जो है वो नहीं होंगे। और पेयर्स पैचेस क्या है, वो एक लिम्फोइड टिश्यू है, क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स हैं विच प्रेजेंट बिलो द एपिथीलियम। ये एपिथीलियम हो गई, तो एपिथीलियम के नीचे क्या है, पेयर्स पैचेस, ऑल्सो एसोसिएट्स विद द माल्ट वर्ल्ड, ठीक है, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो ये होते हैं। काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, डन, क्लियर। इस जगह पे एक और चीज होती है विच इज नोन एज द क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो है सक्कस एंटेरेकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन है, ये ग्लैंड है, और ये जो है सिक्रेशन करती है किसका, इंटेस्टाइनल जूस का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, और ये ऐसे जो हम बात करें तो एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ हम बात करें तो म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स, गॉबलेट सेल्स हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ दो सेल्स मैं बता रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ अलग से, टफ्ट सेल्स, ठीक है, एंड पेनेट सेल्स। ये सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये सेल्स ये तो है हम बात करें एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड सीक्रेशन करती हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वहीं टफ सेल्स भी जो है ये सेंसिटिव होती हैं, और ये भी कुछ इंटरल्यूकिंस का रिलीज करती हैं। क्या, इंटरल्यूकिंस रिलीज करने का काम करती हैं टफ सेल्स जो यहाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इसके सबसे नीचे वाले बेसल रीजन में होती हैं स्टेम सेल्स। क्या होती हैं, स्टेम सेल्स दो टाइप की हैं, प्लस फोर, ये इनके रिसेप्टर्स का नाम है प्लस फोर, और अगला है LGR 5+। ये सेल्स में जो ये जो LGR 5+ सेल्स हैं ये सिक्रीटरी और रिजॉर्प्टिव सेल्स का सिक्रेशन करती हैं, जबकि जो प्लस 4 स्टेम सेल्स हैं ये पेनेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। बात समझ में आया, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये इनके इनका जो फॉर्मेशन है इन सेल्स का कैसे होता है, अरेंज कैसे होती है, उनका काम करते हैं, और ये मिलके पूरे के पूरे हम बात करें तो इसमें जो है जो एंटेरोसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो ये सब सेल्स मिलके क्या करती हैं, सक्कस एंटेरेकस या इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई, समझ में आया क्या, क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन, ठीक है, जहां पर दो टाइप की मेन सेल, तीन टाइप की मेन सेल्स हैं, एक है सिक्रेटरी, दूसरी एब्जॉर्प्टिव, और तीसरी क्या है, सॉरी चार टाइप में डिवाइड कर लेते हैं इसको, सिक्रेटरी, एब्जॉर्प्टिव, एंटीमाइक्रोबियल और स्टेम
स्टेम सेल्स, चार टाइप की हो गई स्टेम सेल्स, बाकी सबका फॉर्मेशन करेंगी, सिक्रेटरी सिक्रीशन करेंगी, एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगी, उनमें खासकर जो है माइक्रोब्लाइज प्रेजेंट होंगे उन सेल्स के अंदर, और पेनेट सेल्स और टफ सेल्स जो है एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड्स रिलीज कर रही है, समझ गया? तो एक तरीके से इननेट इम्यूनिटी का पार्ट मान सकते हो आप इसको, ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं हम बात करें तो इसी के कुछ और पार्ट के बारे में। उसमें हमने यहाँ देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ क्रैक रिंग। क्या बोलते हैं? फोल्ड्स ऑफ क्रैक रिंग और प्लीका सेमी ल्यूनर। बात समझा? ठीक है, तो प्लीका सर्क्यूलर सेमी ल्यूनर सॉरी सर्क्यूलर, ठीक है, और फोल्ड्स ऑफ क्रैक रिंग्स, ये जो है प्रोजेक्शन होते हैं, टंग लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और इनके ऊपर माइक्रोविलाइज भी होती हैं, और एपिथीलियम सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाइज भी होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम भी होती है, ठीक है। तो यहां पर ये सेल्स जो है सरफेस एरिया, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, विलाइज जो है पेयर्स पैचेस वाले एरिया को छोड़ के सभी जगह प्रेजेंट होंगी, पेयर्स पैचेस वाले एरिया को छोड़ के सभी जगह प्रेजेंट होंगी, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज। क्यों? एब्जॉर्प्शन फास्ट हो। क्या हो? एब्जॉर्प्शन फास्ट हो। जैसे कि मान लो कि आपके हाथ से चाय गिर गई फर्श पे, मम्मी ने देख लिया, अब हम क्या करें? साफ कर दें मम्मी किसे आने पहले, वरना चांटे पड़ जाएंगे। तो क्या करिए आपने कि आपने आप न्यूज़पेपर उठाया साइड से और आपने उस चाय के ऊपर डाल दिया, तो वो न्यूज़पेपर क्या करेगा? उस चाय को एब्जॉर्ब कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा, ठीक है। पर इसका अगर आप स्मार्ट हैं तो एक और तरीका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? ये कर सकते हैं कि उस अखबार को अनफोल्ड करें, खोल दें, सारे पन्ने खोल के अगर उसके ऊपर डालेंगे तो उस अखबार का क्या बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और चाय जल्दी एब्जॉर्ब होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना, ठीक है। एग्जैक्टली यही काम करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन रैपिड हो, तेजी से हो। क्लियर है? डन है। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है? आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस के बारे में। तो यहां आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स डाइजेशन, बेसिकली डाइजेशन है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन होता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो मेजर साइट है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि बताया था कुछ स्मॉल हम बात करें तो जो हार्मोन्स का भी रिलीज करती है ये, ठीक है। हार्मोन्स जो है लोकलाइज हार्मोन जो रेगुलेशन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के सीक्रेशन के बारे में, ठीक है, ये यहाँ पर रिलीज होते हैं। क्लियर हुई बात है यहाँ पे? उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे, डाइजेशन कर रहे हैं तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, लोकलाइज्ड हॉर्मोन्स, ठीक है, ये उसके हो गए फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या देख रहे हैं भैया? लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया डायमीटर, वहां पर उसका 6 मीटर था लेंथ, उसकी 6 मीटर थी, इसकी 1.5 मीटर के आसपास है, तो लेंथ में ये कम है। तीन पार्ट है इसके, सीकम, सीकम ओपन होता है कोलन के अंदर, कोलन ओपन होता है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम ओपन होता है एटमोस्फेयर के अंदर। कहां होता है? एटमोस्फेयर के अंदर ओपन होता है, कौन? रेक्टम। क्लियर हुई बात? ये यहां देख रहे हैं। इसमें आप अगर देखें तो ये वाला पार्ट है कौन सा, हम बात करें तो सबसे पहला सीकम, ठीक है। अब ये पार्ट पूरा, अब ये इसका ऊपर वाला असेंडिंग पार्ट जो आएगा, क्या आएगा? असेंडिंग जो पार्ट आएगा उसकी हम बात करेंगे, तो वो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये हो गया क्या, जिसमें लेबलिंग थोड़ी सी अलग है, इसको थोड़ा ऊपर लेबल करें मान के चले, तो ये ब्लाइंड से एक रीजन हो गया, ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन, और ये हो गया सिग्मोइड कॉलन। मतलब कॉलन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा पार्ट है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 4। कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। समझ में आया? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। आखिरी पार्ट है रेक्टम, जो कि हम बात करें तो एनल कैनाल, रेक्टम, एनल क्लार और एनएस जो है उन सबको इंक्लूड करता है। क्लियर हुई बात? यहाँ पे इसको हम थोड़ा आगे विस्तार में और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है कौन? आता है सीकम। सीकम की बात करें तो इस पार्ट में दो चीजें हैं जो आपको याद करनी है, मेनली ब्लाइंड सैक है। तो यहाँ पर इस रीजन में एक तो यहाँ पर हम बात करें तो माइक्रोब्स की कुछ सिम्बायोटिक प्रॉपर्टीज देखती है। यहाँ पर कुछ जो है बैक्टीरियाज होते हैं जो कि विटामिन बी12 जो है
उसके विटामिन B12 और के वगैरह के कुछ पर्टिकुलर पार्शियल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियल सिंथेसिस ऑफ विटामिन, कहां पर? ब्लाइंड सैक रीजन में। दूसरा यहां पर अपेंडिक्स होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, जो जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लिम्फोइड टिश्यूज भी होते हैं, और ये हमारे अंदर वेस्टिजियल होता है, क्योंकि ये जो है काम करता है किसका? बेसिकली डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। लेकिन हम जो है हर्बीवोर्स नहीं है, हम क्या है? ओमनीवोर्स हैं, तो इसलिए हम प्लांट्स नहीं खाते, और प्लांट्स नहीं खाते तो हम सेल वॉल के डाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या लिए क्या है, ये वेस्टिजियल है या अवशेषी अंग है जो फंक्शनल नहीं है। कुछ इसमें लिम्फोइड टिश्यू होने की वजह से कुछ लोगों में इसमें इन्फेक्शन जब होता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, ऐसे में इसको छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, काट के निकाल के फेंक देते हैं, काम का नहीं। समझ में आया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए याद रखेंगे इसको, और अपेंडिक्स के लिए। अगला पार्ट आता है, वो अगला पार्ट जो है वो आता है, हम बात करें तो हाँ, अगला पार्ट है वो आता है यहां पर अगला है कॉलन। कॉलन सबसे बड़ा पार्ट है, कॉलन सबसे बड़ा पार्ट है। इस पार्ट की हम बात करें तो इस पार्ट में असेंडिंग पार्ट हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग हो गया, और सिग्मोइड हो गया, ये पार्ट हो गया। इसके अंदर ये दो चीज आपको ध्यान से देखने वाली है, इसमें एक तो हम बात करें तो पर्टिकुलर एक होती है लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो यहां आप देख पा रहे हैं, दिस इज द येलो वन, ऐसा जो असेंडिंग में नहीं होता, बाकी सब में होता है, ये फिर यहां आता है और ये कंटिन्यूस होता है, ये इसको एक अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, जो लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं, और इनको बोलते हैं ट्यूनिके कोलाई। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिके कोलाई, ठीक है, जो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है और जो अटैचमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। साथ में इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे जो है वो लोब भी बने होते हैं, देखें यहाँ पे एक लोब हीरा, एक लोब हीरा, एक लोब हीरा, एक लोब हीरा, ऐसे लोब्स में सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड होती है, ठीक है, और इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं हुस्त्र या हस्त्र, समझे इनको क्या कहते हैं? यहां पर ये सेगमेंटेड होती है, एक तरीके से आप मान सकते हैं, छोटे छोटे चैंबर्स बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं हस्त्र। समझ आया? क्लियर है? पक्का? सोच लो एक बार, ये चार पार्ट हैं इसके, जहां पर आप में असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। सिग्मोइड ओपन होता है किसमें? रेक्टम के अंदर। किसके अंदर ओपन होता है? रेक्टम के अंदर। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करें आगे, अगला और आखिरी पार्ट है वो है रेक्टम, और हम बात करें तो ये रेक्टम पार्ट जो है, हाँ रेक्टम पार्ट जो है वो आप आखिर में ओपन होता है, ठीक है, कहां पर? एटमॉस्फेयर में, जहां पर हम बात करें तो ओपन्स ऑफ द क्या है, हाँ एनल कैनाल इज कॉल्ड एनस, ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें तो एक्सटर्नल, यहां पर स्पिंक्टर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, स्पिंक्टर वही मैंने बताया था वॉल का काम करेंगे, गार्ड का, तो ये दो टाइप के हैं, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, बाहर वाला जो है वो होता है वॉलेंट्री, अंदर वाले जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, क्योंकि जैसे ही जो है जो फूड इजेक्शन करना होगा, ठीक है, मतलब अनडाइजेस्ट फूड का इजेक्शन करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये स्पिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे, पर मान लो इनकेस वो पर्सन उस कंडीशन में नहीं है तो वहां पर कुछ समय के लिए वॉलेंट्री स्पिंक्टर्स जो है वो इज्जत बचाने का काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चल क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, आ गया ना? ठीक है, अब यहां हम आखिरी बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में, आखिरी इसमें फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन क्या है? द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है सुना ध्यान से, यहां फंक्शन मेन, यहां डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता, फंक्शन क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली, यहां पर विटामिन्स का मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर मैंने बताया था आपको कि अब बात करें तो विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स कौन, माइक्रोब्स बताया था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, और उसके अलावा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और फीसिस जो होती है इनको एक्सक्रीट करने का काम करते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर बेसिकली इनके यही फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विटामिन्स बट सर्टेन प्रोड्यूसिंग म्यूकस, समझ में आया? यहां कोई डाइजेशन नहीं होता। तो इसको मैं कंपेयर कर देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन से, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन ये थे, यहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहां सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो मेनली किसका, वाटर का, ये एलिमिनेशन कर रहा है सॉलिड वेस्ट का, यहां कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करते हैं, यहां कोई हार्मोन भी रिलीज नहीं हो रहा है सच, ठीक है, उसके अलावा यहां डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, यहां कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होगा,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हुई हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मेन मेन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसके बाद में आगे जो आएगा उसमें हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हिस्टोलॉजी, वही एलिमेंट्री कैनाल जो हमने पढ़ी उसकी हिस्टोलॉजी क्या है। तो बेसिकली देखिए, एलिमेंट्री कैनाल किसी भी पार्ट को आप पढ़ो उसमें ले देखे चार पार्ट आएंगे, चार चीजें आएंगी। एक किसको छोड़ देंगे? एसोफेगस, जहां पर सीरोसा की जगह क्या थी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या थी भैया? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। यहां सबसे पहले पहली लेयर जो है वो होगी सीरोसा, दूसरी लेयर जो होगी वो होगी मस्कुलरिस, ठीक है, और तीसरी लेयर जो होगी वो होगी सबम्यूकोसा, चौथी लेयर होगी वो होगी म्यूकोसा। सबसे अंदर म्यूकोसा, जहां पर इस तरीके से ये बात करें तो प्रोजेक्शंस हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। फिर सबम्यूकोसा, ठीक है, जो सबसे मोटी है, थिकेस्ट है, सबम्यूकोसा सबसे मोटी होती है। फिर आती है मस्कुलर, मस्कुलर में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि भाई मस्कुलर में जनरली दो ही लेयर होती है, आउटर और इनर, बाहर वाली सर्कुलर, अंदर वाली लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन स्टमक के केस में क्या होता है? मैंने स्टार लगाया इस पे, क्या स्टमक में तीन होती है, ऑब्लिक भी होती है, ठीक है। जबकि सीरोसा की बात करें तो सीरोसा जो है वो एसोफेगस में नहीं होती, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। ये अलग अलग लेयर्स हैं, इनको मैं डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये बोर्ड पे बना के मैंने डायग्राम को दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। थोड़ा सा कटा लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये वही चार लेयर्स हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो एनसीईआरटी का डायग्राम था इसलिए मैंने उसको डाला। ये हमारा एक बनाया खुद का डायग्राम है व्हाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे। इसमें सबसे बाहर जो है वो है सीरोसा। कौन सी लेयर है सबसे बाहर? सीरोसा है, ठीक है, सीरोसा है सबसे बाहर, ठीक है। जो बेसिकली विसरल पेरिटोनियम और हम बात करें तो एंडोडर्म जो है उसका एक फॉर्मेशन से बनती है, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक, उससे बनी होती है, ठीक है। ये वहां, इसके अलावा ये जो है, ये जो लेयर है इसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है कौन सी? मस्कुलरिस, जो होती है सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर मैंने बताया था आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दो लेयर्स होती हैं, बट ऑब्लिक भी होती हैं। किसके केस के अंदर? स्टमक के केस के अंदर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? डन। स्टमक के केस में यह होती है। उसके बाद आती है सबम्यूकोसा, तीसरी। सबम्यूकोसा की बात करें थिकेस्ट होती है, सबसे थिक होती है। और यहां पर कि क्या क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स। क्या? ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में मैं यहां बता दूं आपको, ब्रूनर ग्लैंड हमने यहां बनाई हुई है। ब्रूनर ग्लैंड कहां है? सबम्यूकोसा में प्रेजेंट है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और क्या होगा? ग्लैंड। तो सिक्रीशन भी करेंगी और एब्जॉर्प्शन भी करेंगी। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का, सिक्रीशन एंजाइम्स का और अदर जूसेस का। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है, ठीक है। और सबसे अंदर वाली जो होगी वो होगी म्यूकोसा। कौन सी होगी? म्यूकोसा। और मैं म्यूकोसा की अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो म्यूकोसा जो है इसके खुद की अलग से तीन लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर जो है सेल्स की बनी होती है, जहां पर विलाइज माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है, एपिथीलियम होती है। क्या होती है? एपिथीलियम। उसके अंदर लेमाइना प्रॉपरिया जो सेकेंड लेयर होती है, और लेमाइना प्रॉपरिया में याद होगा आपको मैंने बताया था कि एपिथीलियम के बिल्कुल नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के केस के अंदर क्या होते हैं? पेयर्स पैचेस होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्स पैचेस। कहां होते हैं? लेमाइना प्रॉपरिया में होते हैं। कौन? पेयर्स पैचेस। याद आया कुछ? मैंने बताया था आपको एपिथीलियम के जस्ट नीचे क्या होते हैं? पेयर्स पैचेस, गुच्छे होते हैं लिम्फ नोड्स के। समझ में आया? और सबसे बाहर की तरफ इसमें जो होती है वो होती है, हम बात करें तो मस्कुलर लेयर। इसमें यहां पर अभी मस्कुलर लेयर दो जगह आ गई, एक जगह यहां आ गई जो ज्यादा बड़ी थी, एक जगह यहां ही जो सिर्फ सिंगल लेयर है। पर फिर भी ये अंदर है और ये वाली मस्कुलर लेयर बाहर है, इसलिए इस मस्कुलर लेयर को कहा जाता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना और ये होती है मस्कुलरिस इंटरना। समझ में आया? ये अंदर है तो इंटरना, ये बाहर है तो एक्सटरना। समझ में आया? क्लियर होगी बात? उसके अलावा यहां पर दो प्लेक्सिस होते हैं। प्लेक्सिस किसके होते हैं? नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस क्या होते हैं? दो नर्व प्लेक्सिस होते हैं। और ये नर्व प्लेक्सिस में एक होते हैं ऑर्बेक्स और दूसरे होते हैं मिजनर्स। ठीक है, कौन से? ऑर्बेक प्लेक्सिस और मिजनर्स प्लेक्सिस। ये एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, सिर्फ माउथ वाले पार्ट में नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो जो हमारी एसोफेगस होती है उसके ऊपरी ऊपर वाले वन थर्ड पार्ट में नहीं होते ये प्लेक्सिस, बाकी सब जगह पर मिलते हैं, ठीक है। और ये करते क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड आगे पुश होता है एलिमेंट्री कैनाल में, एसोफेगस में भी, ठीक है। वहां तो हमने बताया ऊपरी वन थर्ड के अलावा नीचे सब में है, ठीक है। और ये जो है क्या कॉज करते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कॉज करते हैं, ठीक है। जबकि मिजनर्स प्लेक्सिस जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ साथ में सीक्रीशंस जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में उनको भी स्टिमुलेट करता है।
मेसनर्स प्लेक्सस कॉन्ट्रैक्शन के साथ में सीक्रेशंस भी, और ऑर्बेक्स प्लेक्सस ओनली किसको किसको स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को। इनमें आप अगर देखें तो ये ऑर्बेक जो है वो मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट है, जबकि मेसनर्स प्लेक्सस जो है वो कहां प्रेजेंट है, सबम्यूकोसा में। समझ में, इसीलिए ये सबम्यूकोसा में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। समझ में आया, ये है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया, क्लियर है। अब यहां मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की एलिमेंट्री कैनाल का। तो यहां पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, यहां बस आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहां पर विलाइज ज्यादा बड़े हैं, यहां पर विलाइज ज्यादा बड़े हैं, जबकि यहां पर विलाइज कम बड़े हैं या ऑलमोस्ट विलाइज नहीं है। समझ में आया, यहां पर जो है वो लिम्फोइड टिश्यू ज्यादा है, यहां लिम्फोइड टिश्यू कम है, यहां ग्लैंड्स ज्यादा है, यहां ग्लैंड्स कम है। समझ में आया, क्या क्या डिफरेंसेस हो गए, विलाइज का डिफरेंस हो गया, ग्लैंड्स का डिफरेंस हो गया, और साथ में किन का डिफरेंस हो गया, लिम्फोइड टिश्यूज का, या हम बात करें तो लिम्फेटिक नोड्स का, यहां कम है यहां ज्यादा है, इधर वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है, इधर वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन है। दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी बात, चमका दिखेगी अब आगे से हमारी बुआ हमको, जब हम याद करेंगे ये इस बुआ की फोटो, ये इसके करेक्टर, ये इस बुआ की फोटो, ये इसके करेक्टर, ये जलंधर वाली, ये अमृतसर वाली। समझ में आ गया, पक्की बात, क्लियर है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में। हाँ, थोड़ा सा प्रमोशनल है पर करना पड़ता है, थोड़ी सी दो मिनट की बात है। अपनी विद्या के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.apnividya.com, वहां पर आपको जो है फ्री ऑनलाइन, अभी कस्टमाइज्ड ऑनलाइन, या बात करें तो आप ही के लिए कस्टमाइज्ड ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज ओपन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ ऐसा आप जब सर्च करेंगे तो ऐसा एक पोर्टल खुलेगा जिसमें दो अलग अलग कोर्सेज होंगे, ठीक है, जेई रिविजन और नीट रिविजन, जिस भी से बिलोंग करते हैं आप उसमें जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपको ऐसा एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, और अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। उसके लिए आप अपना जो है पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है, और आगे लॉगिन करने जाएंगे। और मान लो रजिस्टर करना है आपको, तो रजिस्टर करने पे दबाएंगे तो आपको ये आएगा जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ओटीपी आएगा आपके फोन में, आपको ओटीपी एंटर करके इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, जिससे आपका जो है अकाउंट डेवलप हो जाएगा। अकाउंट डेवलप करने के बाद आप वापस यहां आएंगे जहां पर आप जो भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको लॉगिन नहीं करना होगा, ना ही रजिस्टर करना होगा, अब आपको सीधा वो मिलेगा कि आपको टेस्ट देना है। कौन सा टेस्ट, हमारे अभी जो है ऑनलाइन 60 टेस्ट हैं, कितने 60 टेस्ट जो है ऑनलाइन अभी अवेलेबल है, ठीक है, एक बच्चे के लिए। और इन टेस्ट की खास बात यह है कि अगर आप आपके दोस्त के साथ बैठ के एक ही रूम में दो अलग अलग कंप्यूटर से अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन मैच भी नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल न्यू फ्रेश। और जो NTA पे जो प्रीफर्ड जो क्वेश्चन है उनसे इंस्पायर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। जैसे आप जाएंगे आपको लैंग्वेज चूज करनी है कि इंग्लिश में है देना है टेस्ट, हिंदी में देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको चूज करना है लैंग्वेज, आपने इंग्लिश चूज की, इंग्लिश में आएगा, फिर आपके क्वेश्चंस खुल जाएंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मान लो कि आप जेईई में इनरोल्ड हैं तो इस तरीके से आएगा, टेस्ट देंगे आप, टेस्ट देने के बाद इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, पता चल जाएगा आपका स्कोर क्या रहा क्या नहीं रहा, प्रीवियस का आपको सारा आपकी ग्रोथ पता चलेगी, आपकी रैंक का क्या है, ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग जितने बच्चे एनरोल्ड है उनमें से फिल्टर होके आएगी। समझ में आ रहा, ये है आपका डेस्कटॉप मोड। लेकिन मान लो कि आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो आप फोन पे भी जा सकते हैं, मोबाइल पे आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा, बाकी सब रजिस्ट्रेशन के बाद में, वही रजिस्टर करेंगे तो ऐसा मिलेगा। उसके बाद में आप जो है अप्लाई करें, अपने क्वेश्चंस करें, उसमें भी आपको क्या होगा, सेम चीज होगी जो कंप्यूटर बोल दिए, मोबाइल में आपको ऐसा दिखेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको, और रिजल्ट के बाद में आपको उसको कंटिन्यू कर लेना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं, अपना टाइम बताता आपको मिलता रहेगा, कितना टाइम बचा है, आपने कितने क्वेश्चन में कितना समय लगाया, कितने सही थे कितने गलत थे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे अपनी विद्या पे, और आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री है,
कोई चार्जेस नहीं है इसके, ठीक है। आप जाएं अपने दोस्तों को भी बोलें, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए होगा, जहां आप सेल्फ असेसमेंट यहां पर आप कर सकते हैं। समझ मेरी बात? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है,